ओके, अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ पे देखिए रेट चार्ट जो है, यहाँ पे मैडम जी आए हुए हैं। हेलो मैडम। हेलो मैडम, कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पुणे से आए? यस। अच्छा अच्छा मैडम, आपका जो आज का जो एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा सा शेयर कीजिए ना हमारे व्यूअर्स। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो मैनेजमेंट है, इट्स नॉट सो गुड। एक्चुअली जो घोड़े वाले हैं और जो ट्रैवलर्स जो चलते हैं ऊपर, देयर शुड बी अ डिफरेंट रूट फॉर देम। इट्स वेरी बैड। मतलब कई घोड़े मैंने देखे कि मर भी गए, बट एंड ऑल द वे द एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, तो आप यहाँ के जो मैनेजमेंट है ना, यहाँ के जो अथॉरिटी है, हाँ, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि या श्योर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देयर शुड बी अ डिफरेंट लाइन फॉर हॉर्स राइडर्स एंड ट्रैवलर्स। इट इज़ वेरी नेसेसरी, एंड दोज हु कैन नॉट ट्रैवल, प्लीज हेलीपैड, हेलीकॉप्टर और हेलीपैड इज द बेस्ट, आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, या या सर, आप कहाँ से हैं? मैं भी पुणे से हूं। अच्छा अच्छा, आपको कोई सजेशन, कोई फीडबैक आज के एक्सपीरियंस? यू नो, जो लोग पैदल चल के आते हैं और जो घोड़े पे आते हैं, उनके लिए ज़रा अलग सा रूट बनाया जाए, क्योंकि क्या कि जो लोग श्रद्धा से आते हैं उनका फिर मन ज़रा ख़राब हो जाता है। ये बात सही है यार, इधर इतना लोग दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, फिर भी जाने नहीं दे रहे। बाकी तो महादेव की श्रद्धा से सब चढ़ जाते हैं, तो जी जी जी, बाबा के दर्शन हो गए, वही बहुत है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे नहीं, आप दिखने में काफ़ी यंग है, तो इस वक्त ये टाइम में तो आपको गोवा वगैरह यू नो जाना चाहिए, तो आप केदारनाथ ये आने का मोटिवेशन कहाँ से है? मैं महादेव भक्त हूँ, तो फिर अभी आप भक्त है? अच्छा अच्छा, भाई बहन भक्त है, इसीलिए आप आए। मम्मी है ना वो, तो मम्मी और सर दोनों, पापा आ गए, पापा भी आए, पापा भी आगे। अच्छा, मतलब पूरा फैमिली आया आप लोग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।